कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को वोटिंग हुई थी और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है जिसमें कांग्रेस को 114 बढ़त मिलती दिख रही है, तो वहीं बीजेपी 78 सीटों पर आगे है जबकि अन्य दल 5 सीटों पर आगे है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं जद समेत अन्य क्षेत्रीय दल नतीजे जानने के लिए सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं। Getting an absolute majority, a clear mandate, and we are absolutely confident of the kind of issues we raised during the campaign. People have rejected the divisive politics of Mr. Narendra Modi personally, because this election was all about Mr. Narendra Modi. Ours will be a clear majority, an absolute majority. We'll be forming the government on our own. सत्तारूढ़ बीजेपी ने जहां एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की पूरी कोशिश बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की जुगत में है। कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद करते हैं, कार्यकर्ताओं की जीत है। शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से पूरी पार्टी को और तालमेल में कहूँ कर्नाटक और दिल्ली में बनाकर रखा, उसके सूत्र रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, महासचिव प्रभारी के सी वेणुगोपाल जी अभी भी जमीन पर, ये सब चीजें थी जो पिछले चुनावों में हार से हमने सबक लिया है। लेकिन ये सबक देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी है, क्योंकि हर चुनाव को आप जो है वो धर्मों पर लाकर टिका देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ी गई किस तरह से ध्रुवीकरण, लेकिन लोग मुद्दों पर अड़े रहे, वो मुद्दे जो कांग्रेस समझ पा रही थी, महंगाई और बेरोजगारी है। मैं लोगों का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ, जैसा कहा था कि पहली कैबिनेट सरकार की शपथ, मुख्यमंत्री की शपथ के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम अपनी 5 गारंटियों को लागू करने जा रहे हैं। वरुड़ा सीट से कांग्रेस के सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं, शिवमोगा सीट से बीजेपी आगे चल रही है, हुबली सीट पर बीजेपी के महेश आगे चल रहे हैं, मटकेरी सीट से कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी का सीट पर कई सालों से कब्जा रहा है।